हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 24 मार्च 2022 मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट है IIT JEE मेंस के सेशन सीजन 1 की एग्ज़ाम हो चुकी है और इनके फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार पेपर गया है पूछ लेते हैं। कैसा था पेपर आज का? जेई का बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। तो आपने सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा, मैथ्स या फिजिक्स और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सबसे अच्छा क्या आया? फिजिकल केमिस्ट्री आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा पूछा गया। फिर मैथ्स में क्या पूछा गया? मैथ्स में वो समाकलन। अच्छा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल से क्वेश्चन बने। हाँ। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन बना? हाँ बने। बने कोई क्वेश्चन और कहीं कहीं से बना पाता अभी? और तो एक मिनट बेटा, आपका एग्जाम था आज? अच्छा, इधर आ जा, इधर बेटा आ जा, आ जा लाइव। कैसा था पेपर आज का जेई का? मैथ्स थोड़ी ठीक थी बट केमिस्ट्री थोड़ी धोखेबाज निकली। केमिस्ट्री केमिस्ट्री धोखे आ जाओ, हमेशा ऐसे ही रहता। तो केमिस्ट्री में सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा था? टफ क्वेश्चन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी बेटर करी थी बट उसमें से बहुत कम क्वेश्चन बैठे। अच्छा, और फिर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन ज़्यादा थी इस केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक के आपने फिजिकल केमिस्ट्री से किस पर? फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ अपनों ने पढ़ाई नहीं था उस हिसाब से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करी थी। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? मैथमेटिक्स तो ठीक ही था ज़्यादा, पर टफ तो रहता ही है, जेई का पेपर है तो फिर। और इजी टू मॉडर्न था क्या मैथमेटिक्स से? कैसा था? नहीं, इजी टू मॉडर्न तो जेई का पेपर थोड़ी सकता है, हार्ड बोल सकते हैं। यस, है ना। और इसमें फिजिक्स में? हाँ, फिजिक्स थोड़ा बेटर था। अच्छा, बेटर। तो आगामी जो स्टूडेंट है जो एग्जाम देने आएंगे उनको किस प्रकार से आप सजेस्ट कर सकते हो? थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन करो। और लास्ट टाइम में क्या टिप्स देंगे आप? टिप्स तो कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और भैया पेपर था एक मिनट, कैसा था पेपर आपका? अच्छा था। अच्छा था, अच्छा था। मैं बिकॉज मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना है ना। हाँ, तो मैथमेटिक्स से कैसे पूछी गई? मैथमेटिक्स मेरा फिजिक्स अच्छा गया। अच्छा, फिजिक्स अच्छा। फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया ये बता दीजिए। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट? एक मिनट ऊपर के आ जाइए, एक मिनट आ जाइए। कैसा था फिजिक्स? अच्छा था। कैलकुलस का थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ आंसर में, बाकी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और ऐसे वेक्टर थी जी मैं शोर रुपये आगे अच्छी तैयारी करना है ना। ठीक, थैंक यू। और पूछ लेते हैं, पेपर था बेटा, पेपर था? एक दो और गर्ल्स आ रहे हैं तो पूछ लेते हैं उनसे, थोड़ा होल्ड कर दो। हाँ, तो हाँ स्टार्ट करो। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक सैनी है। अच्छा, जेई में कैसा पेपर गया आपका? जेई में ठीक ठाक पेपर गया, ऐसे ज़्यादा भी अच्छा टफ आता है वैसे पेपर तो यहाँ पर, बाकी अच्छा पेपर गया जाना है। इस बार का थोड़ा अच्छा था, फर्स्ट अटैम्प्ट। अच्छा, अच्छा आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है ना? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। आपने तैयारी की थी जेई? हाँ, जेई की तैयारी की थी। अच्छा, तो मैथ्स में सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा आप तीनों पोर्शन, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री में? मैथमेटिक्स से अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर क्या थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी ट्वेल्थ के अभी के पैटर्न देखा जाए तो ट्वेल्थ का थोड़ा सा ज़्यादा था उसके अंदर से, इसलिए वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो क्या है कि 11th एंड 12th का मिला गया था तो वो टफ ही रहता है। आपको सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा मैथमेटिक्स का? मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज बता सकते हो किस चैप्टर से कौन कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके? चैप्टर वाइज सब क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसे 12th चैप्टर के ज़्यादा थे, हर एक क्वेश्चन तो चैप्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रेशन आया था। इंटीग्रेशन सबसे पहले की जो वैल्यू होती है जिसके अंदर चूज द करेक्ट, यानी ऑप्शन नहीं दिए जाते उसमें से बताओ, उन्होंने इंटीग्रेशन दिया जो टफ चैप्टर था अपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जो सिंपल चैप्टर था मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और बाकी और ऐसे रिलेशन एंड फंक्शंस, ये सब उन्होंने MCQs या इनके अंदर डाल दिए थे क्योंकि बताओ ये थोड़े इजीएस्ट चैप्टर होते हैं, बच्चों को आसान होते हैं। सेट और सबसेट से हैं, सेट्स और सबसेट्स यानी रिलेशन सबसेट्स। मैथमेटिक्स रीजनिंग से कोई क्वेश्चन आया है? मैथमेटिक्स रीजनिंग से हाँ आया था एक दो, बाकी अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन? परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो दो क्वेश्चन इस बार बैठे थे और इस बार डायरेक्ट उस पर ही बैठे थे जिसके अंदर अपन ने देखा था कि मेरा अपन ने देखा था उसके अंदर कि टोटल प्रोबेबिलिटी का था, टोटल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था उसके अंदर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो भी, इसलिए इसके अंदर आए थे प्रोबेबिलिटी के एक दो क्वेश्चन आए थे, बाकी हाँ अच्छे क्वेश्चन थे वो भी। और इससे अपने
मैट्रिक्स वगैरह से इससे पूछा गया, परबोला हाइपरबोला से क्वेश्चन बना कोई पास? हाँ, इसके अंदर एरिया निकालने को, इस बार एरिया निकालने को नहीं देते बाबा क्या, एरिया ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं पूछा इसके अंदर, इससे पूछा गया। मतलब आप मान सकते हो आज का पेपर कैसा था? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड था? हार्ड तो था, हार्ड। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 20-21 अटेम्प्ट किए हैं, 120 में से। 120 में से? हाँ, 20-21 अटेम्प्ट किए। थैंक यू। हाँ, कैसा था जेई का पेपर? अच्छा था पेपर। क्या क्या पूछा गया? मतलब सारे से अच्छा वेटेज था सारे चैप्टर्स का। तो मैथ्स में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कम थे। मतलब मॉडरेट था पेपर, ज़्यादा कठिन भी नहीं, कुछ क्वेश्चन देखे। कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स थे कैसे मैटर थे? दोनों थी। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैसे क्वेश्चन बने? उनसे भी एक दो आए थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से? उनसे मुझे एक क्वेश्चन मिला था। प्रोबेबिलिटी से? प्रोबेबिलिटी भी थी। और इससे बात करते हैं सेट सबसेट्स, इनसे भी था, मतलब लगभग सभी से थे एक एक। मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स से? इनसे भी थे। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मैं फिजिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? फिजिक्स में अच्छे थे, कुछ थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल भी थे। अच्छा, इस तरह के अच्छे से क्वेश्चन थे। और फिजिक्स में सबसे अच्छा कौन सा? मैग्नेटिक से, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि, या मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछे गए, या ऑप्टिक्स? मैकेनिक्स से ज़्यादा। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन? ऑप्टिक्स के भी थे, ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल में थोड़े ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल में तो ऑप्टिक्स से तो न्यूमेरिकल बेस ही आते हैं ज़्यादा, और मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब कैलकुलेटिव बेस था पेपर? कैलकुलेटिव बेस था। तो और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो अच्छी थी, अच्छी थी केमिस्ट्री, है ना। देख के आ जाने वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी कुछ थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो देखा जाए तो आज का पेपर भी बहुत हार्ड था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप सभी जो 23 जून से लगाकर 29 जून जितने भी दिन की एग्ज़ाम होगी उसका एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके अपने यूट्यूब चैनल, और आगे से आपको शेयर करना ये वीडियो, जिससे ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।